नमस्कार, मैं हूं सपना। उत्तराखंड के किसी भी कोने में चले जाए, वहां की सुंदरता सबको आकर्षित करती है। आज मैं आपको लेकर जा रही हूं राजधानी दिल्ली से लगभग 525 किलोमीटर दूर देवभूमि की हसी वादियों के बीच पिथौरागढ़। ये सफर हम सबके लिए काफी शानदार रहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, कुदरत के करीब आते गए। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, कच्चे पक्के घुमावदार रास्ते, साथ चलते बादल हम सबको धरती पे स्वर्ग का एहसास करा रहे थे। एक लंबे सफर के बाद हमारी टीम पहुंची पिथौरागढ़ के खूबसूरत इलाके चंडाल। यहाँ हमें स्थानीय लोगों से पता चला कि कुछ ही दूरी पर है एक घुरमुनी का खूबसूरत झरना। बिना सोचे समझे हम उस वाटरफॉल के रास्ते पर निकल पड़े। जैसे जैसे हम चंडाक से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घुरमुनी के झरने के नजदीक पहुंच रहे थे, वैसे ही वहां की कच्ची सड़कें, घना जंगल हमारे सफर को और मुश्किल बना रहा था। आखिरकार हम झरने तक जाने वाली आखिरी सड़क तक पहुँच गए। तभी पता चला झरना यहाँ से अभी करीब 2 किलोमीटर दूर है। इसी बीच हमारा ध्यान ढलते सूरज की तरफ गया। शाम हो रही थी और झरने का कोई पता नहीं था, लेकिन मन में उस झरने तक पहुँचने की जिद हम सब के अंदर थी। घने जंगल को पार करते हुए हम कुछ ही दूर बढ़े थे, तभी रास्ते में एक पहाड़ी नदी से सामना हुआ। इसके आगे का रास्ता और खराब था। एक दूसरे की मदद करते हुए हाथ पकड़ पकड़ कर हमने कांटेदार झाड़ियों, घने जंगल और गीली मिट्टी से बने संकरे रास्तों को पार किया। किसी की भी एक गलती कई लोगों की जान जोखिम में डाल सकती थी। जंगल में मौजूद खतरनाक जानवर हमारी डर को और बढ़ा रहे थे। आखिरकार लंबे सफर के बाद वो खूबसूरत झरना हमारे सामने था, जिसके लिए हम सब ने इतनी लंबी यात्रा की थी। झरने को देख सबकी थकान उतर चुकी थी और एक प्यारी मुस्कुराहट से सभी के चेहरे चमक उठे थे। ऐसा फील हो रहा था मानो इसी को जन्नत कहते हैं। झरने का पानी इतनी ऊंचाई से गिर रहा था कि चट्टान से टकराकर दूर खड़े लोगों को भिगो रहा था। शायद हमारी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। अब आप सोच रहे होंगे, इतने अद्भुत जगह पर आकर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये झरना जितना खूबसूरत है उतना ही खौफनाक भी है। कहा जाता है सालों पहले जब इस इलाके में हैजा फैला था तो शवों को इस झरने के ऊपर से नीचे फेंक कर बहा दिया जाता था। कुछ देर हमने इस शांत इलाके में फोटो सेशन किया। झरने के पास ही टूरिस्ट के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है, लेकिन समय की कमी और डर के कारण हम पानी में नहीं उतर पाए। घुरमुनी के इस झरने को देखने बहुत कम लोग जा पाते हैं। इसको पर्यटन स्थल के रूप में और विकसित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अगर आप भी घुरमुनी के झरने का दीदार करना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम और टनकपुर होते हुए टैक्सी या फिर स्थानीय बसों का प्रयोग करके पहले पिथौरागढ़ पहुंचना होगा। पिथौरागढ़ में एक रात रुककर आप सुबह सुबह स्थानीय गाइड के साथ घुरमुनी जा सकते हैं।